मैंने कहा कि बैठकें तो होती रहती है, मंत्रालय में बैठा हुआ जनरल डायर कौन है जिसने जालना में बैठे हुए बहुत ही शांततापूर्ण ढंग से जो आंदोलक हमारे बैठे थे मराठा समाज के, उनके ऊपर गोलियां चलाने के आदेश किसने दिए, लाठीचार्ज के आदेश किसने दिए, ये आश्रु धूर किसने छोड़ा है, लोगों के सर किसने फोड़े हैं, महिलाओं को किसने पीटा है, जो आदेश आया पुलिस बोलते हैं ऊपर से आदेश आया इसलिए हमको करना पड़ा, हमको ये कोई करने की जरूरत नहीं थी। वो महाराष्ट्र में एक नहीं तीन तीन जनरल डायर है, एक मुख्य जनरल डायर है और दो डिप्यूटी जनरल डायर है। मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम जालना में होने जा रहा है जिसे कहते कि शासन अपने द्वार पे, उस कार्यक्रम में ये जो आंदोलक है वो जाकर अपने मांगे नहीं मांगे, अपने डिमांड नहीं रखे, इसीलिए मुख्यमंत्री के आदेश से ये पुलिस को आदेश दिया गया उनको हटा दो, ताकत की आजमाइश करे, गोलियां चलाओ। इसलिए जनरल डायर एक नहीं, महाराष्ट्र में तीन तीन है। क्या करते गृहमंत्री? बस हमारे जो उनके जो राजनीतिक विरोधी है उनको दबाने के लिए, कुचलने के लिए, उनके आवाज बंद करने के लिए पूरी यंत्रणा का इस्तेमाल हो रहा है। मुझे लगता है अब ये सभी को, अजीत पवार जी कल तक मोर्चा में शामिल होते थे मराठा समाज के, आज कहाँ है? आज के मुख्यमंत्री तो समिति पे थे, कमेटी पे थे, आज कहाँ है? बोलिए सर, बीजेपी कह रही है कि माइनॉरिटी वोकेशनल बोर्ड जो बना है उसमें मुस्लिम्स के अलावा किसी और को ऐड नहीं किया, कोई और फेथ के लोगों को ऐड नहीं किया, बीजेपी की क्या है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।